Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. So, जैसे कि आपको पता है कि हमने PTE essay start की हुई है series. इससे पहले हम एक essay कर चुके हैं जिसमें हमने एक topic discuss किया था और उसकी explanation और example को समझा था. ठीक है? इसी तरह से ही आज हम second topic discuss करेंगे. ठीक है? और idea generate करेंगे और फिर कुछ examples देखेंगे. जो मैंने पीटी एसेस चूज़ किए हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पीटी एसेस रिपीट होते हैं. ठीक है? तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं. ठीक है? तो इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअलाइज्ड कोचिंग क्लासेस चाहिए फॉर पीटी एंड नाटी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 0406599489. दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर. Or you can simply drop an email at bv06feb@gmail.com. ठीक है? तो इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसमें आज का ऐसे टॉपिक है University should penalize students for late submission of their work. What is your opinion? University को students को penalize मतलब fine करना चाहिए अगर वो अपने वर्क की असाइनमेंट की लेट सबमिशन करते हैं. आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? ठीक है? हमें जैसे कि पता है पीटी में कोई मैटर नहीं करता कि किस टाइप के ऐसे है, एग्री डिसएग्री है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, यानी कि कोई भी टाइप का ऐसे है. हमने तो एक ही टेम्पलेट फॉलो करना है जो कि मैंने आपको दिया हुआ है. ठीक है जी? उसमें बस थोड़ी बहुत वर्डिंग हमने चेंज करनी होती है और ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ही हुआ है कि आपने हमेशा 4 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन. ठीक है जी? अब व्हाट इज योर ओपिनियन. वैसे तो आइल्स में हम कहते हैं कि हम अगर एक साइड चुन रहे हैं तो एक साइड पे जाए. ठीक है? तो बट पीटी में क्या है, एक पैराग्राफ एग्री का लिख दें, दूसरा बॉडी पैराग्राफ डिसएग्री का लिख दें. ठीक है? क्वाइट सिंपल. इसमें पीटी में आपको सिर्फ स्ट्रेटजी वाइज चलना होता है. ठीक है जी? आगे देखते हैं. बॉडी पैराग्राफ 1 देखें. क्वेश्चन को एक से दो बार पढ़ लें, थोड़ा समझ लें कि क्या क्वेश्चन की क्या डिमांड है. यूनिवर्सिटी शुड पिनलाइज स्टूडेंट्स फॉर लेट सबमिशन ऑफ देयर वर्क. चाहिए यूनिवर्सिटी को, नहीं चाहिए, तो आपकी क्या राय है? मतलब क्यों चाहिए, पहले तो हम एग्री कर रहे हैं भी क्यों चाहिए और फिर हम डिसएग्री कर रहे हैं कि क्यों नहीं चाहिए उन्हें पेनलाइज करना. ठीक है? फिर कंक्लूजन में हम यही करते होते हैं कि पैराफ्रेज करते हैं की आइडियाज को जो हमने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में लिखा है और फिर सोल्यूशन दे देते हैं. वो आप पे है, देना चाहते हो ऑप्शनल है, पर आप दे सकते हो. ठीक है? इट लुक्स गुड. आगे टॉपिक सेंटेंस वही कि यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स को पेनलाइज क्यों करना चाहिए. बिकॉज इट विल इंड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी अमंग स्टूडेंट्स. ठीक है? अगर यूनिवर्सिटीज बच्चों को पेनलाइज करेगी लेट सबमिशन के लिए तो इससे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और पंक्चुअलिटी आएगी. ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है. क्लियर? इसकी एक्सप्लेनेशन आप कैसे दे सकते हो? दे विल हैव अ फियर ऑफ लूजिंग मार्क्स फॉर द लेट सबमिशन विच विल मेक देम रिस्पॉन्सिबल एंड पंक्चुअल. सिंपल. ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी. ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी आएगी और इससे उनमें फियर होगा कि उनके मार्क्स चले जाएंगे. ठीक है? तो इससे वो रिस्पॉन्सिबल पंक्चुअल बन जाएंगे. क्लियर? एग्जाम्पल आप कुछ भी बना सकते हो. जैसे अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे द वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया डिडक्ट्स 25% ऑफ द फाइनल स्कोर फॉर द लेट सबमिशन. हेंस स्टूडेंट्स टेंड टू मोस्टली बी ऑन टाइम विद देयर असाइनमेंट. क्लियर? तो ये मैं आपको एक बना बनाया सारा एक सेट दे रही हूँ जिसमें आप टॉपिक सेंटेंस भी लिखते हो, एक्सप्लेनेशन भी और एग्जांपल भी लिखते हो. सिर्फ आपको गिवन टेम्पलेट में ये आइडियाज, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल फिट करनी है. ठीक है जी? इट्स क्वाइट इजी. सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की. अगर आपको एसेज पे फीडबैक चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी? नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. फिर बॉडी पैराग्राफ 2 है. जैसे कि हमने कहा था कि हम डिसएग्री कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी शुड नॉट पेनलाइज स्टूडेंट्स फॉर द लेट सबमिशन. व्हाई? फिर उसका रीजन क्यों हमने टॉपिक में लिखा, क्योंकि इससे बच्चों में स्ट्रेस और एंग्जाइटी आ सकता है. ठीक है? वो कैसे? हाउ? दे विल फील प्रेशर फ्रॉम द डेडलाइंस टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम.
विच कैन हैव ट्रेजिक इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ. ठीक है, उनमें स्ट्रेस आ जाएगा, एंग्जाइटी आ जाएगा, दे विल फील प्रेशर टू फिनिश द असाइनमेंट. इसकी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, फॉर इंस्टेंस सुसाइडल डेथ रेट कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रेस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड 20% आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पेनल्टीज फॉर लेट सबमिशन. ठीक है, पेनल्टी जब से लगाई है तो 20% सुसाइडल डेथ रेट में इंक्रीज आ गया है. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे हमने टॉपिक सेंटेंस चूज किया, उसकी इलेबोरेशन की और फिर हमने एग्जाम्पल दे दी. क्लियर हो गया, मुझे होप है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मेन दो ही पैराग्राफ होते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2. बाकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में काफ़ी लाइंस दी हुई हैं ऑलरेडी बना के, और कंक्लूजन में भी दी हुई हैं, तो आपको बस इन्हीं में से कंक्लूजन भी ऐसे ही लिखना है दोनों, इन कंक्लूजन. ठीक है, कि ऑल्दो पेनलाइजिंग स्टूडेंट्स कैन क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी अमंग देम, बट दे कैन ऑल्सो फील स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, सो यूनिवर्सिटी शुड हैंडल दिस विद केयर. ठीक है जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसी तरह से मैं आपके लिए और भी एसेज तैयार कर रही हूँ. ठीक है, देर आर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज विच यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर PT एग्जाम. ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच.